जहां तक जाति जनगणना का विषय आपने पूछा है, तो सारा देश इस बात को जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा ओबीसी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका इसलिए मिला है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। नीट की परीक्षा और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने लागू किया। अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बना के सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने में सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। फिर भी मैं समझता हूं, चूंकि आपने जाति जनगणना की बात कही है, तो हमारी सरकार संवेदनशील है और देश की जनता को भरोसा करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर देश की एकता अखंडता को मजबूत करने में पीछे नहीं हटते, तो समय आने पर जाति जनगणना कराने में भी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। उचित समय पर केंद्र के सरकार इस संदर्भ में अपना फैसला अवश्य लेगी। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और कार्यों के बारे में प्रदेश और देश जानता है कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर, रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर देश और प्रदेश की जनता का समर्थन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है या नौकरियों में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये केवल अपने परिवार की परिधि में ही फैसला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पीसीएस की भर्ती हुई थी, 56 लोग एक ही समाज के थे, तो उस समय ना पीडीए कहीं दिखता है उनको, ना आरक्षण उनको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल से ज्यादा देश में राज किया है, क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 40 साल तक ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को डिले करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने पिछड़ों के भाव को समझा और देश में आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर किया। फिर भी जाति जनगणना के बारे में हमारी सरकार चिंता करेगी, सही समय पर इस पर फैसला लेगी। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और कार्यों के बारे में प्रदेश और देश जानता है कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर, रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर देश और प्रदेश की जनता का समर्थन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है या नौकरियों में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये केवल अपने परिवार की परिधि में ही फैसला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पीसीएस की भर्ती हुई थी, 56 लोग एक ही समाज के थे, तो उस समय ना पीडीए कहीं दिखता है उनको, ना आरक्षण उनको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल से ज्यादा देश में राज किया है, क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 40 साल तक ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को डिले करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने पिछड़ों के भाव को समझा और देश में आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर किया। फिर भी जाति जनगणना के बारे में हमारी सरकार चिंता करेगी, सही समय पर इस पर फैसला लेगी। निश्चित सब लोग देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उनके परिवार के चाचा भतीजे सब मिला के 5 MP हो गए, तो वहां का रिजर्वेशन की बात चली जाती है। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं,
एक ही परिवार का व्यक्ति सत्ता पूरी पार्टी को चलाता है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है, एक ही परिवार चलाता है। तो ये अपनी पार्टी में, अपने ट्रस्टों में, अपने संगठन में रिजर्वेशन की बात नहीं सोचते, पिछड़ों को अधिकार देने की बात नहीं सोचते, केवल देश प्रदेश में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये जाति जनगणना की बात करते। वास्तविकता ये है कि मोदी योगी का बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, बढ़ता हुआ उनका उनका जो स्वरूप है, उससे ये लोग भयभीत चिंतित हैं। और मैं फिर भी हम कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर चल रही है। सही समय पर हमारी सरकार हर कदम उठा के देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार देने में आगे बढ़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।